नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं HBN न्यूज़ चैनल में। आज हम अलीगढ़ के दीवानी परी क्षेत्र में हैं। यहां पर दीवार एसोसिएशन के जो चुनाव होने जा रहे हैं, हम उनमें से एक प्रत्याशी कुमारी छन्ना चटर्जी जी से बातें करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम छन्ना चटर्जी एडवोकेट और मैंने अपनी वकालत शुरुआत की है। यहीं से मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो अलीगढ़ की हुई है। अलीगढ़ की बार एसोसिएशन में होने जा रहे चुनाव में आपने किस पद हेतु नामांकन किया है? मैंने यहाँ 2021 में कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। मैम आपको कितना समय हो गया वकालत के क्षेत्र में? मैंने 2004 से यहाँ वकालत शुरू की है। वैसे मेरा रजिस्ट्री 2003 का है, तब से हम यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। अलीगढ़ की बार एसोसिएशन के जो सुविधाएं हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? यदि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके हित में आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? हम देखिए, अभी अलीगढ़ बार एसोसिएशन के जो यहाँ कार्यप्रणाली है उससे संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ और भी बदलाव है उन्हें हमें करना है। जिस चीज़ को हम अपने जो अभ्यर्थी आएंगे उनके सामने उनके पटल पे रखेंगे और वो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं वो आगे आपको न्यूज़ चैनल में। मैम जैसे कि आपकी राय ली जाए तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले बदलाव ये है कि जो यहाँ जूनियर्स हैं उनके लिए थोड़ी सुविधाएँ होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ जो हमारी गाड़ियों की व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से नहीं है, हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं। यहाँ पे इधर उधर जो कूड़ादान सा बना रखा है वो नहीं होना चाहिए। साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी हमको मेन व्यवस्था है। चलिए, जैसा कि मैम ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा गाड़ी का और साफ सफाई होनी चाहिए, हम अगला प्रश्न हमारा आपसे है, आप कोष अध्यक्ष पद जीतने के बाद आपको जो आपका जो कार्य होगा वो क्या होगा? कोषाध्यक्ष पद के जीतने के बाद मेरा सबसे पहला कार्य होगा कि कोष में जो आय व्यय का ब्यौरा है उस चीज़ को देखना और उसी के आधार पर तुलना करते हुए कि जो आय व्यय हो रहा है वो सही है या नहीं, चीज़ को देखना है। सर आप बताइए, आप इनको कोष अध्यक्ष पद के लिए चुन रहे हैं, आपकी क्या राय है इनके लिए? क्या आपकी क्या राय है इनके लिए? इनके लिए क्या ये इस पद के लिए उपयुक्त हैं? जी बिल्कुल 100% उपयुक्त हैं और सुंदर सुवर और ईमानदार कर्मठ और कार्य करने में भी सक्षम है अपने आप में और काफ़ी दिन से प्रैक्टिस में भी हैं। तो मेरी राय में तो मुझे तो इनसे अच्छा प्रत्याशी कोषाध्यक्ष पद के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम तो वही हमारी कमेटी जो भी है सब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मैम, आप हमारे HBN न्यूज़ चैनल के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपका HBN चैनल बहुत अच्छा है और ये HBN चैनल जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं आप भी उस तरह से प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े और जो सच्चाई है उस चीज़ को सामने लाए। धन्यवाद। जैसा कि आज हमने यहाँ पर कुमारी छन्ना चटर्जी से, जो कोष अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, आज हमने उनसे बातें करी हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज़।